और एक रानी थी। आज क्या बात हो रही है आप देख सकते हैं, किचन भरने के बाद देखिए सारे बर्तन वगैरह। ओए घर का इतना सारा काम तुम कर कैसे लेती हो? तो गाइस अभी थोड़ा बिजी है, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा, बात कर लिया। दोनों लोग कैसे बैठे हुए हैं, कब चलना बताइए। भाई साहब ये दीवार का पूरा पेंट को क्या हो गया? तो गाइस एक बात तो है, आज प्रिंस आजकल बड़ी खुश है। गाइस गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप, नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस काज में। और जैसा कि पूर्वोत्तर भारत में पूरा आई थिंक सर्द का एक लहर तो चली पड़ा है और दिल्ली में बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड आ चुका है और यहाँ पर भी थोड़ी बहुत ठंड बढ़ चुकी है, तो बने रहिएगा एंड तक और ये वाला ब्लॉग भी होने जा रहा है कुछ स्पेशल। और वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो ही, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं। आज क्या बात हो रही है आप देख सकते हैं कि मनीषा कड़ी मेहनत कर रही है हमारी, और किचन भर गया था और मैं लाइन खा गई थी, और किचन भरने के बाद देखिए सारे बर्तन वगैरह कैसे खलारा मचा रखे हैं, इसी को प्रिंस लाइव में कल बोल रहे थे। ये तो टच ही नहीं कर रहा था, खा कर पानी ठंडा है नहीं तो। आग लगा दो पानी में, और देखिए गाइस ये नल का पानी कितना वेस्ट हो रहा है। वेस्ट तो मैं पानी नहीं भरती, मैं क्या वेस्ट करती है फिर बताइए? कुछ भी नहीं वेस्ट करती है, वेस्ट करना वेस्ट किया। अभी इनको बर्तन थोड़ा साफ सफाई कर लेने देते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं दूसरे पार्ट में। अनुष्का भी आई हुई है, मेरी अंकल की बेटी है, मेरे छोटे वाले चाची की बेटी, तो वो भी यहाँ पे। गाइज गुड मॉर्निंग, और अभी तक आप लोगों ने जो देखा वो तो कल रात के लाइव आने यानी 10-11 बजे के आसपास की बात है, और अभी मनीषा अंदर पढ़ रही हैं, आप देख सकते हैं मैं भी शूट कर चुका हूँ, शॉपिंग भी, झाड़ू भी, पोछा भी, पढ़ाई भी, थोड़ा बहुत राइटिंग छुपा ली। देखिए गाइस इनका मुंह देखिए, जब ये लिखती है तो इनका मुंह कैसा हो जाता है देख लीजिए, देखिए देखिए ध्यान से देखिए। ओए घर का इतना सारा काम तुम कर कैसे लेती हो? ओए हीरोइन, ओए कटरीना कैफ, हाँ अरे इधर। तो गाइस अभी थोड़ा बिजी है, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा, बहुत कर लिया। अभी मैं अपने घर के बालकोनी में खड़ा हूँ और यहाँ से भी अभी तो सुबह वैसे एक्चुअली लेट हो चुका है, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग जनरली पहले 6 बजे उठता था, लेकिन अब क्या हो गया ना, अब मेरे 8, 9, 10 कुछ भी बज रहे हैं। चलिए मम्मी पापा को चलते हैं, देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। दोनों लोग कैसे बैठे हुए हैं। मम्मी आज आपको गाड़ी सीखने चलना था, चलिएगा? कब कब चलना बताइए। नहीं इसमें क्या किंग वाला हम पहने, क्वीन वाला वो पहनती है। तो नहीं किंग क्वीन दो है। कितना? मेरे टी शर्ट पे गाइस किंग लिखा हुआ है, ये किंग का सब गोल्डन वाला मिट गया है आप लोग देख सकते हैं, और क्वीन वाला मनीषा के पास है, तो ये मम्मी कंफ्यूज होती है कि दोनों में से कौन सा टी शर्ट मैं पहनता हूँ। तो कब चलना है गाड़ी सीखने? अभी थोड़ा। तो अभी आप तो बोले थे पापा को सिखा दो। पापा आपको सीखना है गाड़ी? हाँ। आजकल दोनों लोग फोन पे ही व्यस्त हैं, और ये भी अपने फोन पे लगे हुए हैं, मम्मी का भी फोन आ ही गया है। अभी थोड़ी देर में मैं ड्राइविंग सिखाने जाऊंगा मम्मी पापा को, तो आप लोगों को आगे देख के बताइए मैं कैसा ट्रेनर हूँ इनफैक्ट आज। और चलिए फिर से चलते हैं प्रिंस के पास, आइए आइए आइए। कहाँ है? तालाब में, तालाब का पानी सूख गया। ओ भाई साहब ये दीवार का पूरा पेंट को क्या हो गया? अभी उतर गया। तो ये गाइस ये उडेन है, और ये सारा पेंट यहाँ से निकल चुका है, और अभी सुबह के लगभग टाइम घड़ी कहाँ गया तुम्हें? 10 बज रहा है। नहीं नहीं 11 बज गया। आ गए ऊपर। कितना बज रहा है? अरे ये फ्री फायर खेल रहे हैं, देखिए उठते साथ इनका यही काम है कि कुछ नहीं फ्री फायर खेल रहे। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप बताइए? ऐसे आप करेंगे तो देश का भविष्य कैसे बढ़ेगा? हमारे साथ तक खेल रहे थे। मेरे साथ कहाँ खेल रहा था? तो ब्लॉग शूट कर रहे हैं। उससे खेल रहा था।
तो आपको ब्लॉग शूट नहीं करना है? करना है। तो अभी हम पापा को जा रहे हैं गाड़ी सिखाना है। चला। इस प्रिंस तो पीछे गेम खेलने में व्यस्त है और मैं भी चल रहा हूँ ऊपर, और अब मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है क्योंकि मनीषा चुकी पढ़ रही है, तो मुझे खुद से ब्रेकफास्ट लेना पड़ेगा और वैसे भी मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, सो लेट्स गो। तो गाइज़ मैंने फाइनली अपना ब्रेकफास्ट निकाल लिया और आज की फेवरेट मेरी सब्जी बनी हुई है गोभी की। और गाइज़ आप लोग अक्सर मेरे ब्लॉग्स में देखते होंगे गोभी गोभी गोभी, क्योंकि मुझे गोभी बहुत पसंद है और मेरा फेवरेट वेजिटेबल भी है गोभी। मशरूम पनीर बनी खाता और बहुत सारी चीज़ें हैं और जो मेरी फेवरेट है, तो इसीलिए यहाँ भी गोभी बना हुआ है। चलिए अब ब्रेकफास्ट को एन्जॉय करते हैं आपके साथ। वैसे तो मुझे हमेशा ये कहती है कि मेरे को गाड़ी सिखा दो, गाड़ी सिखा दो, और आज मैं इतना बोल रहा हूँ चलिए चलिए चलिए, तो ये एकदम सोने में व्यस्त है। बोले कि नहीं आज जाना ही नहीं है, प्लान फट से बदल जाता है, यूँ चुटकी बदलते प्लान बदलता है इनका। क्यों बदला प्लान? आज तबीयत ठीक नहीं है मेरा। ये तो मतलब पेट डायलॉग हो गया है, तबीयत ठीक ही नहीं है। कल क्यों बोल रही थी कि सुबह सुबह एकदम चलना है गाड़ी सिखाने, गाड़ी सिखाने। उठा है 2 बजे, 1 बजे तो क्या? 2 बजे क्या, 11 बजे अभी गाइस, अभी तो 12 भी नहीं हो जाऊंगा अभी अभी जिस टाइम शूट कर रहा हूँ मैं। 11 नहीं बजा है तो 12 बजे आप गाड़ी सीखने चलिएगा कि नहीं? जाना है। कब? 2 बजे से। ठीक है गाइस, देखते हैं 2 बजे तक जाती है कि नहीं। तो गाइस एक बात तो है, आज प्रिंस आजकल बड़ी खुश है। क्यों खुश है? कुछ भी नहीं, अभी अभी तो ब्रश कर रहे हैं, देखिए छुपा लिया ब्रश अंदर, देखिए अंदर मम्मी को तो अभी मैं थोड़ा सा बोर हो रहा था, तो फिर मैंने बोला कि यार कुछ घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश हो सकता है। तो प्रिंस की यूट्यूब की फर्स्ट अर्निंग आ गई है और इसलिए बड़े खुश हैं भाई, और यहाँ लूट मार ज्यादा हो गया है सबसे ज्यादा आया है इसका। हमको तो गाइस 1 रुपया नहीं दिया नहीं दिया है, दिया है। लूट मार कहाँ से होगा इनको मौका मिला, ब्रेक मिला कि फटाक से नींद आई। ओए, ओए, सुनो ना मम्मी पापा सब लोग जा रहे हैं घूमने। मैं की बात है, एक राजा था और एक रानी थी। सुनो तो नहीं चला रहे हैं गाइस, मैं जब एक बार सोया था तो मेरे बाल में पूरा चोटी वोटी बांध दी थी। अब मैं पेंटिंग थोड़ा सा कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा मेरा आर्टिस्ट कैसे लगा। तो उठो अरे देखो ना कैसा गंदा हो गया पूरा, यहाँ मिटा इसको। आज ये थक गई है लग रहा है, पेट दर्द ठीक हुआ? आज मनीषा बीमार है गाइस, बीमार है ना, पहले बोल दे इसमें। देखिए कैसे गुस्साती है, और अब मेरा भी रिकॉर्ड की थी हमको जब उठा रही थी तो तो गाइस मनीषा थोड़ी बीमार है आज और कल से ही उसके पेट में दर्द हो रहा है, मेडिसिन से कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अभी एक और मैं मेडिसिन लेने जाऊंगा और उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो ठीक है, ठीक हो जाए। और आप लोग भी प्रे कीजिए, विशेष दीजिए कि वो ठीक हो जाए। मीनवाइल अभी प्रिंस को लगी है भूख और मम्मी जा रही है किचन में, मुझे आवाज़ आ रही है, तो चलिए किचन के नज़ारे देखेंगे, उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे। आज की ब्लॉग थोड़ी सी छोटी रह गई क्योंकि मनीषा बीमार है, आप सभी को पता ही है। और किचन में क्या हो रहा है? किचन में महना नहीं है ना, इसलिए नहीं कर पाए। आज मम्मी का दाल कच्चा ही रह गया और अब इसको फ्राई करेंगे, फ्राई भी करना है। ठीक है, ये क्या कर रही है छोटी सी बच्ची? ये मेरे अंकल की बेटी है, आज नहीं करेंगे, आज सोचते हैं लंच करेंगे। और जैसे 12 बज गया है, दाल भी नहीं गला है, भाभी भी नहीं है, आज दाल नहीं गलने वाला है किसी का, क्योंकि ये दाल ही अजीब सा है, हमको भी बड़ा अजीब लगता है। नहीं दाल नहीं तो है। अच्छा है गाइस, नहीं नहीं ये डुप्लीकेट क्वालिटी का दिखाता है आपको लेकिन ये ज्यादा तेज आंच पे बन गया है इसलिए नहीं गला, तुरंत उतार दिया गया है। थोड़ा देर रहता तो, नहीं तो नमक का मात्रा ज्यादा होगा इसलिए नहीं गला है। ये बेलबोटा खिचड़ी बन रहा है, प्रिंस को कुछ भी बनाने नहीं आता हमको,
तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी कितना मेहनत करके ये पूरा का पूरा शुद्ध घी है जो घर में दूध से निकाला गया है। ये लोग गाइस था लोग और मनीषा मेरे यहाँ कुक, तो दूध का छाली नहीं निकलता था, पता चलता था कि छाली वाली नहीं पड़ता है। और मम्मी इतने ही दिन में महज 15-20 दिनों में लगभग आधा किलो से भी ज्यादा घी निकल चुका है शुद्ध घी। क्या खुशबू है, एक मंथ से ज्यादा हो गया, एक मंथ से कम ही न गए थे हम। तो गाइज अब वक्त हो चला है कि आप सभी से हम लोग विदा लें और इसी के साथ ब्लॉग को भी ख़त्म करें। उम्मीद है कि दाल भी थोड़ी देर में जल्दी गल जाएगी और खाना भी जल्दी से प्रिंस खा लेगा और मनीषा भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, अभी वहाँ सोई हुई हैं। और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद।